ओम शांति। आज बाबा के 11 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बहुत मीठी मीठी बात समझा रहे हैं आज कि बच्चे और सब बातें छोड़ दो, बस मीठे से मीठे बाबा को प्यार से याद करो। बाबा मीठे से मीठी स्क्रीन है, तुम बच्चे भी बाप समान मीठी स्क्रीन बन जाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चे, ये शब्द रूहानी बाप के सिवाय कोई कह नहीं सकता। वही सबको सुख देने वाला, शक्ति देने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाला है। भक्ति में उसे पुकारते हैं, अभी आप उसके सम्मुख बैठे हुए हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। यहाँ मधुबन में डायरेक्ट मुरली सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। मधुबन में बाजी मुरली, ये गायन है। बड़ा वंडर है कि जब बाबा को याद करते हैं तो माया याद भुला देती है। अवस्था को जमाने का पुरुषार्थ करना है, यही मेहनत है कि हम एक बाप की याद में रहें। दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बने। माया बाप की याद भुला देती है। माया के साथ ये बहुत बड़ा अपोजिशन है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा से मिलती है। बाबा ऐसे संस्कार हम सबको देते हैं। आप ऐसी राजधानी में जाते हो जहाँ वज़ीर की भी आवश्यकता नहीं। वज़ीर की आवश्यकता तब पड़ती है जब बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। वो दैवी संस्कार इस समय बाबा से सीख रहे हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से इस साकार सृष्टि पर पार्ट बजाने आई हो। ये बात याद करनी है कि मैं आत्मा इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड से इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आई हूँ पार्ट बजाने के लिए। अब धीरे धीरे नाटक पूरा हो रहा है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ गए। बाबा याद दिला रहे हैं, आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। बाबा याद दिलाते हैं, देवी देवता धर्म सबको सुख देने वाला है। आप सबको सुख देने वाली आत्माएं हो। आप जो भी पुरुषार्थ करते हो अपने लिए करते हो। और ये बुद्धि से समझने की बात है कि अब वापस घर जाना है तो हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। ऐसे नहीं कि कोई अग्नि में डाल के आत्मा पावन हो जाएगी। आत्मा रूपी सीता योग अग्नि से पावन बनती है। वहाँ स्थूल अग्नि दिखा दी गई। कौन सी अग्नि से पार होना है ये बाबा ने कहा, आप बच्चे जानते हो। योग अग्नि से आत्मा को शुद्ध बनाना है। आप लाइट हाउस हो, सबको शांति धाम का, सुख धाम का रास्ता बताने वाले हो। इस दुख धाम को भूल जाना है, शांति धाम को याद करना है, सुख धाम को याद करना है। आप सब के लिए लाइट हाउस हो। जो प्रीत बुद्धि हैं वही विजयी बनते हैं। अपनी प्रीत बढ़ाते जाना है। एक बाप से ही प्रीत होगी तो विजयी बन जाएंगे। कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न नहीं उठाना। ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है तो अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। बालक सो मालक, मालक सो बालक। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि कभी कोई राय देता है, एकदम कट नहीं करो। भले वो व्यर्थ भी है तो भी एकदम कट नहीं करो। पहले किसी भी बात को ध्यान से सुनो, स्वमान में रहो, स्वमान में रहकर शिक्षा दो। जब आप सबको रिगार्ड देंगे तो विश्व आपको रिगार्ड देगी। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही पूजनीय बन जाते हैं, वंदनीय बन जाते हैं। मस्तक पर साथ की स्मृति का तिलक लगा रहे, ये सुहाग की निशानी है। आज याद रहे, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। मैं बालक सो मालक,
मालिक सो बालक हूँ। मुझे सबको रिगार्ड देना है, सबकी विशेषताएं देखना ही रिगार्ड देना है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी रिगार्ड देना है, रिगार्ड देकर सबके लिए एग्जाम्पल बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी स्क्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी स्क्रीन बन जाएंगे। बाप मीठे से मीठी स्क्रीन है, और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी स्क्रीन बन जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए हो, भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाबा तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं, राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सबको सुख शांति देने वाला, सबको दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई और नहीं, इसलिए दुख में बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमें सुखधाम के लायक बना रहे हैं, सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हैं। अब तुम समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है, मधुबन वृंदावन, उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, सारे कल्प में ये एक ही समय आता है, ये कल्प का सुहावना संगम युग है, इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सब मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती, सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं का बाप बैठ सम्मुख समझाते, सारा पार्ट आत्मा बजाती ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं, ये किसी को पता नहीं, ना खुद समझते ना समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्मा ही परम धाम में रहती हैं, वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो निराकारी दुनिया ये साकारी दुनिया। याम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं, पहले पहले हम पार्ट बजाने आते फिर नंबरवार आते जाते। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता। अब तुम्हें पहचान मिली है, आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते तमोप्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना, जब मधुबन में हो तो सम्मुख सुन रहे हो, बहुत मज़ा आता है। जब सेंटर पर हो तो बाबा कहते इतना मज़ा नहीं आता। तो पहले पहले सतयुग आदि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। जानते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर, पहले पहले हम देवी देवता थे, अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। पहले पहले हम देवी देवता थे, अपने उस पार्ट को याद करेंगे या भूल जाएंगे? बाबा कहते तुमने पार्ट बजाया, ये ड्रामा है,
नई दुनिया सो फिर पुरानी होती, पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती वह गोल्डन एज में आती हैं, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। सत्युग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अब जो श्रीमत मिलती है वो सत्युग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टाकी बने हो, टाकी होने बिगर कर्म हो ना सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ, पुनर्जन्म भी जरूर होता। आत्मा को जो भी पार्ट मिला वो बचाती रहती और संस्कार के अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती, पति तक्षर द्वापर के बाद काम में लाते, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अब तुम समझते हो बाबा हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा के पास कोई फर्क नहीं, बाबा जानते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते, हे लाडले मीठे सिक्की लदे बच्चे, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब आकर मिले हो। बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब आकर के मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेके पार्ट नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अब ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ, सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी फिर पुरानी बन गई। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाबा आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिब्रेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे, तुम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी, राजाई पाना कोई सहज थोड़ा ही है, बाबा को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी बाबा को भुला देती है, इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, अंडरलाइन कर लेंगे, जब तक जीना है याद का पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देना है, देही अभिमानी बनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव मातश्च पिता, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है, एक ही मैं स्क्रीन हूँ। तुम भी सब बातें छोड़ मीठी स्क्रीन हो जाओ, और बातें छोड़ बाबा जैसे मीठे बन जाओ। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको ये बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में,
सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है तो बाबा को याद करना बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट है हमारा, सुख भी जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे, हिसाब किताब चुक टुक करके सब चले जाएंगे। जास्ते विस्तार में क्यों जाएं, बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुक टुक कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से पवित्र होना है, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए, सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ा ही पार होना है। बाबा समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुम्हें पावन बनना है, राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई, यहाँ योग अग्नि कहा और वहाँ पर स्थूल रूप से अग्नि दिखाई। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन बन जाती, कहाँ पर तो स्थूल रूप से योग अग्नि, कहाँ पर दूसरी अग्नि, कहाँ पर योग अग्नि, दोनों में अंतर है, रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं, रावण की जेल में शोक वाटिका में है, यहाँ का सुख काग विष्ठा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते, फिर बाप जो धंधा देते वो करते नहीं। मूल बात है हमें पतित से पावन बनना है, दूसरा कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। यह है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया, मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं, कहते गृहस्थी तो सब थे, श्री राम श्री सीता श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनको भी तो बच्चे थे, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए। उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता, वो है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते, ये तो बाप टीचर सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु गया फिर बच्चों को गद्दी देंगे और वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सबका सदगति दाता एक बाप है। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में है 84 का चक्र बैठा है, तुम्हारी बुद्धि में अब पूरा 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है, तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। सबको बोलो शांतिधाम सुखधाम को याद करो, जो भी मिले उसको बोलो शांतिधाम सुखधाम को याद करो, कलयुग दुखधाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। पतित पावन बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भव, शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती, तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे, देहाभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे, देहाभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना, जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है, एक बाबा से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। वरदान है हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालक भव, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालक भव, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है, इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दो, फिर शिक्षा दो, ये भी तरीका है, पहले रिगार्ड दो, स्वमान दो, फिर शिक्षा दो, ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा, इसके लिए बालक सो मालिक, मालक सो बालक बनो, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो, मुख्य बात बालक सो मालिक बनना आना चाहिए, जब हमसे कोई बात पूछी जाए मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ और अपनी बुद्धि को शुभ भावना कल्याण की भावना से संपन्न रखो। सरल शब्दों में कभी कोई बात कोई राय देता है तो एकदम कट नहीं करनी, पहले उसे ध्यान से सुनना है, उसे स्वमान दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो, एकदम कट नहीं करना, जब ऐसे सम्मान देंगे रिगार्ड देंगे तो अन्य आत्माएं भी रिगार्ड देंगी। स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, ये सुहाग की निशानी है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, ये सुहाग की निशानी है। आज पूरा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं बालक सो मालिक हूँ, मुझे सब का रिगार्ड रखना है। देवकुल की आत्माएं सबको रिगार्ड देती हैं, किसी की बात को ध्यान से सुनकर, प्यार से सुनकर, स्वमान में रह के उसको शिक्षा देना, महसूस करें मैं बालक सो मालिक हूं, जैसे बाबा हर बच्चे का रिगार्ड रखते हैं, हर एक की विशेषता देखते हैं, आज से मैं आत्मा भी सबके गुणों को देखकर रिगार्ड दूंगी, अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर ले, जो मीठे से मीठी स्क्रीन है अनुभव करें, उनकी पवित्र किरणों में वो ताकत है, मुझे भी मीठा बना रही है, एक की याद में स्थित हो जाए, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।
जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार हो।